हाय फ्रेंड्स, कुक विद दीबा में आपका स्वागत है। अगर से आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। आज की रेसिपी है चीज़ पनीर घोटाला, जो कि सूरत में बहुत ही फेमस है। वो एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड माना जाता है। तो उसके लिए हमें लगेगा 200 ग्राम मैश पनीर, जो कि मैंने इस तरीके से मैश कर लिया है, हाथों से ही मैंने इसे मैश किया है। और लगेगा 25 ग्राम का जो चीज़ का क्यूब आता है ना, उसे मैंने ग्रेट कर लिया है अच्छी तरीके से। हाफ कटोरी से भी कम आपको लगेंगी कसूरी मेथी, और साथ ही साथ आपको लगेंगी टोमेटो प्यूरी 2 टोमेटोज की, और फ्रेश क्रीम हाफ बॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गैस स्टोव को ऑन कर लीजिए और फ्लेम को मीडियम रखिए, और अपनी कढ़ाई गैस स्टोव पर रख दीजिए। अब इसमें आप डालिए 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। चेक करते रहिए कि ऑयल गर्म हो चुका है कि नहीं। ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम ऐड करेंगे तड़के की चीज़ें। अब हमें इसमें डालनी है 1/2 टीस्पून ऑफ ज़ीरा और 1/2 टीस्पून ऑफ राई, और इसे अच्छे से चटकने देना है। जैसे ही ये चटक जाए तो 2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें डालना है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और गोल्डन होने तक इसे अच्छे से भूनिए। स्पून को चलाते रहिए और अच्छे से भूनते रहिए। ओके फ्रेंड्स, जितने अच्छे से भूनोगे उतना ही अच्छी आपकी रेसिपी रेडी होगी। अब हमें इसमें ऐड करना है 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट डालने के बाद इसे अच्छे से भून लीजिए। सॉल्ट डालने से ये जल्दी भून जाता है। अब तुरंत इसमें ऐड कर दीजिए टोमेटो प्यूरी, जिसमें मैंने ग्रीन चिलीज भी डाली हुई थी 2। अब ये टोमेटो प्यूरी को ऑयल सेपरेट होने तक हमें भूनना है। जैसे ही इसमें थोड़ा बॉईल आने लगे आप क्रीम ऐड कर दीजिए, जो कि हमने हाफ कटोरी लिया था। क्रीम ऐड करते टाइम ये ध्यान रखें कि स्पून को कंटिन्यूस चलाते रहे, नहीं तो क्रीम फटने के चांसेस होते हैं और ग्रेवी खराब हो जाएगी। अब हमें डालना है 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, और 3 मिनट्स तक इस ग्रेवी को ऐसे ही भूनते रहे। हर इंग्रेडिएंट डालने के बाद इसे भूनते रहना है। अब हम डालेंगे इसमें 2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, और फिर से इसे 2 मिनट्स तक भूने। इंग्रेडिएंट डालते जाए और अच्छे से भूनते जाए, यही इसकी मेन चीज़ है। सारे इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इसे घोटाला कहा जाता है। अब हम इसमें डालेंगे जो पनीर हमने मैश करके रखा हुआ था, वो डालने के बाद इसे अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लीजिए। अगर से कोई मोटे पीसेस रह गए होंगे तो उसे स्पून से मैश कर दीजिए कढ़ाई में ही। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से भून लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हमें डालना है कसूरी मेथी, जो हम डालेंगे क्रश कर। हाथ में लेकर थोड़ा सा क्रश कर लीजिए और फिर डाल लीजिए। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए और अच्छे से भूने 3 मिनट्स तक। जब भी आप कोई न्यू इंग्रेडिएंट डालें तो डालने के बाद उसे अच्छे से भून लीजिए, ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए और ग्रेवी अपना ऑयल सेपरेट कर दे। अब हमें ऐड करना है 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, उसे भी मिक्स करें और 1 मिनट तक अच्छे से भून लें। अब हमें ऐड करना है इसमें ग्रेटेड चीज़, जो मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था, वो 25 ग्राम का क्यूब था। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 3 मिनट तक इस मसाले को अच्छे से भूनिए। जितना भूनोगे उतना ही ये घोटाला टेस्टी बनेगा।
देखो ऑयल छूट रहा है। भूनने के बाद ऑयल सेपरेट होते जाता है और डिश में और स्वाद आते जाता है। तो ये प्रोसेस हमें कंटिन्यूस करते जानी है जैसे जैसे हम इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं। अब हमें इस स्टेज पर ऐड करना है कोरिएंडर लीव्स, जो हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से भून लेंगे। और गार्निशिंग के लिए हम सेपरेट रख देंगे, वो अलग चीज़ है। अब इसे अच्छे से भूने, अच्छे से सुकून से भूनिए, मिक्स कीजिए। देखिए इसका कलर, देखिए टेक्सचर, देखिए टेम्प्टिंगनेस, देखिए इसका कि ये कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। इसने, ग्रेवी ने अपना सारा ऑयल छोड़ दिया है। इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून ऑफ बटर। वाह, अब बटर भी डल गया। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ग्रेवी में और 1 मिनट तक इसे भी कुक करते हैं। ये भी मिक्स होने के बाद ग्रेवी फिर से ऑयल सेपरेट करेगी, मींस ग्रेवी और भी टेस्टी हो जाएंगी, और भी अच्छी हो जाएंगी, स्वादिष्ट हो जाएंगी। देखिए अब कुछ इस तरीके से दिख रही है। गाइज ये डिश बहुत ही अच्छी दिख रही है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। देखिए वो कसूरी मेथी का जो अरोमा आ रहा है और बटर, अब मैं क्या बोलूँ। आप घर पर ट्राई करें और खाकर देखिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर बताएं। हमारा चीज़ पनीर घोटाला पूरी तरीके से रेडी है सर्व करने के लिए। चलो तो इसे बोल में निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। वाव, ऐसे दिख रहा है ये, बहुत ही अच्छा। इसे हमने गार्निश कर लिया है फ्रेश क्रीम से और कोरिएंडर लीव्स, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इसका टेक्सचर देखिए, इसका कलर देखिए। ये डिश इतनी अट्रैक्टिव लग रही है कि उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि बस अभी सुकून से बैठ जाओ और इसके साथ जो भी खाया जाता है, आप पाव खा सकते हो, ब्रेड खा सकते हो, नान खा सकते हो, पराठा खा सकते हो, उसके साथ इसे एंजॉय करें और मज़े ले। गेस्ट आए तो ज़रूर खिलाइए, गेस्ट नहीं आए तो फैमिली में खाइए। डिश ही ऐसी है जो हमेशा हर टाइम टेस्टी ही बनने वाली है और अच्छी ही लगने वाली है। मेरे घर में ब्रेड्स अवेलेबल थे तो हमने इसे आज एंजॉय किया ब्रेड के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होंगी और इंटरेस्टिंग लगी होंगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को और अच्छी अच्छी रेसिपी जानने के लिए सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई बेल आइकन के बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसी वजह से आगे आने वाली न्यू रेसिपीज़, न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको कंटिन्यूस मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।